ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम कक्षा 12 विषय कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है टिड्डा। टिड्डे में हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, जीवन चक्र एवं कृषि में महत्व है। इस चैप्टर से पहले हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 14 पार्ट पढ़ लिए हैं, आज का पार्ट नंबर 15 होगा। पार्ट 15 आज का हमारा लेसन नंबर 11 टिड्डा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम टिड्डे की संरचना, इसके जीवन चक्र और कृषि के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम टिड्डा है रास उत्पाद, रास उत्पाद इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम हीरोक्लाइपस बेनिया, एक तो ये नाम होता है। नंबर दूसरा, हीरोक्लाइपस निग्रो क्रिकेटस, ध्यान दीजिएगा कि डाक्लास होगा इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसके दो हैं। पहला वैज्ञानिक नाम है हीरोक्लाइपस बेनिया, दूसरा है हीरोक्लाइपस निग्रो क्रिकेटस। आगे टिड्डे की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए टिड्डे की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, इसमें पहली विशेषता है वर्षा ऋतु में टिड्डा फसल को अपने काटने व सबाने वाले, काटने व सबाने वाले मुखाकू की सहायता से नुकसान पहुंचाता है, अतः इसे टिड्डे को खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा वर्षा ऋतु में टिड्डा फसलों को अपने काटने व चबाने वाले मुखाकू की सहायता से नुकसान पहुंचाता है, अतः टिड्डे को खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। नंबर टिड्डे का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। किस बात को कि टिड्डे का बाह्य कंकाल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? टिड्डे का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। नंबर तीन, शरीर पर विभिन्न तरंगों के धब्बे स्पॉट पाए जाते हैं। टिड्डे का जो शरीर होता है इस पर विभिन्न रंगों के धब्बे पाए जाते हैं। और नंबर चार, ये टिड्डा है ये बहुत भूखा शाकाहारी, भूखा शाकाहारी
एवं सर्वव्यापी या हम यूं कह सकते हैं विश्वव्यापी होता है, विश्वव्यापी होता है। टिड्डी की विशेषता नंबर एक, वर्षा ऋतु टिड्डा पशुओं को अपने काटने में चबाने वाले रुखाम नुकसान दर्शक बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, अतः इसे खरीफ का टिड्डा कहा जाता है। नंबर दो, टिड्डे का बाइक काल का बना होता है। नंबर तीन, टिड्डे के शरीर पर विभिन्न रूप के धब्बे पाए जाते हैं। और नंबर चार, टिड्डा बहुत भूखा एवं विश्वव्यापी होता है। टिड्डे की विशेषता है। आगे हम टिड्डे की बाई संरचना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। टिड्डे की बाई संरचना, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है टिड्डे का है और टिड्डे की बाह्य संरचना का है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि डायग्राम किसका है, टिड्डे की बाह्य संरचना का है। इस टिड्डे की जो बाह्य संरचना है इस डायग्राम के माध्यम से इसकी पूरी बाह्य संरचना को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम टिड्डे का जो शरीर है वह तीन भागों में बटा होता है। टिड्डे का शरीर तीन भागों में बटा होता है जिसमें से नंबर एक देखिए ये वाला भाग सिर, इसको हेड कहते हैं। अब देखिए दूसरा भाग जहां अग्रवाक्स मध्यवाक्स पश्चिमवाक्स, तो दूसरा भाग है वक्स थोरिक्स। टिड्डे का शरीर तीन भागों में बटा होता है जिसमें पहला भाग है सिर है, दूसरा वक्स थोरिक्स और तीसरा भाग देखिए ये वाला भाग उदर। तो टिड्डे का शरीर तीन भागों में बटा होता है। हम टिड्डे की बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो टिड्डे का शरीर तीन भागों में बटा होता है। नंबर एक सिर है, नंबर दो वक्स थोरैक्स और नंबर तीन उदर उदर एब्डोमेन। यहां सिर वक्स और उदर को अलग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। नंबर एक सिर के बारे में अध्ययन करते हैं तो टिड्डे के सिर पर एक जोड़ी संहिता, एक जोड़ी संहिता एंटीना व एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई हम टिड्डे के सिर भाग के बारे में अध्ययन करें तो टिड्डे के सिर भाग में एक जोड़ी संयुक्त का एंटीना और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई पाए जाती है। टिड्डे में उपनेत्र ओसीडी अधिकतम 3 हो सकते हैं। याद रखिए टिड्डे में उपनेत्र अधिकतम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और जो ये उपनेत्र है ये दोनों नेत्रों के मध्य पाए जाते हैं। टिड्डे का जो रूप है वह है अधोमुखी हाइपो गलेकस होता है जिसमें मुखाम नीचे की ओर लटके होते हैं। तो टिड्डे का मुख किस प्रकार का होता है, अधोमुखी प्रकार का होता है, हाइपो गलेकस प्रकार का मुख होता है। अब टिड्डे में बात करते हैं संधि का,
एंटीना की है कि टिड्डी में संगीता क्या कार्य करती है। टिड्डी में संगीता सुनने, गंध का पता लगाने, इसके अलावा भोजन के स्वाद, भोजन के स्वाद व रास्ते का पता लगाने में सहायक होती है। ये संज्ञा है वो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य भी करती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि टिड्डे के सिर भाग की उस रचना का नाम बताइए जो गंध का पता लगाने एवं रास्ते का पता लगाने में सहायक होती है। तो आपका कार्य आंसर होगा संगीता। अब हम ये टिड्डे का जो सिर भाग है इसमें से देखिए संगीता ये तो एक शल्य क्षेत्र है, ये दोनों सिर भाग पाए जाते हैं और जो दोनों शल्य क्षेत्र हैं जो नेत्र हैं उनके पास में उपनेत्र होते हैं और ये अधिकतम तीन होते हैं। तो संगीता के बाल रचना है और शल्य क्षेत्र सिर भाग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर लिया। तो टिड्डी के शरीर का एक भाग पूरा होता है सिर है। अब दूसरा भाग है वक्ष, इसमें देखिए अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चिमवक्ष आते हैं। तो टिड्डे के शरीर का दूसरा भाग है वक्ष, इसे अंग्रेजी में थोरैक्स कहा जाता है। तो देखिए सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग है, सिर वाला भाग है, इसके साथ जुड़ा हुआ भाग ये वक्ष का होता है। तो सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग वक्ष कहलाता है। सिर भाग है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये भाग है, ये वक्ष कहलाता है। वक्ष है, इसके तीन भाग होते हैं, इसमें से नंबर एक है अग्रवक्ष जिसे प्रोथोरिक्स कहते हैं, दूसरा है मध्यवक्ष जिसे मेजोथोरिक्स कहते हैं, और तीसरा है पश्चिमवक्ष जिसे मेटाथोरिक्स कहते हैं। टिड्डी के वक्ष को तीन भाग बांटा गया, अग्रवक्ष, प्रोथोरिक्स, मध्यवक्ष, मेसोथोरिक्स और पश्चिमवक्ष यानी मेटाथोरिक्स। अब वक्ष भाग में कौन कौन से रचनाएं पाई जाती हैं? तो इस वक्ष भाग में एक तो टांगे पाए जाती हैं, इसके अलावा पंख पाए जाते हैं। टिड्डी में कुल तीन जोड़ी अर्थात छह टांगे पाई जाती है। कि टिड्डी में कुल कितनी टांगे पाई जाती है? टिड्डी में कुल तीन जोड़ी अर्थात छह टांगे पाई जाती है और टिड्डी की जो टांग है उसके जो भाग है वो तो आपको बताया था। देखिए टिड्डे की जो टांग है वो पांच अंगों में बटी होती है, जिसमें टिड्डे की टांग का पहला खंड है वह कोक्सा है, अगला ट्रोकेंटा, अगला भाग है फीमर, अगला भाग है टीबिया तथा लास्ट भाग है टार्सस। तो टिड्डे की टांग के पांच खंड होते हैं,
विक्रम से कोक्सा ट्रोकेंटर फीमर टीबिया और टार्सस होते हैं। ये जो टार्सस है ना ये उन्हें तीन भागों में विभाजित होती है जिसमें आता है प्री टार्सस। जो टार्सस को तीन भाग है उनमें पहला भाग है प्री टार्सस मेजो टार्सस, पहला प्री टार्सस, दूसरा है मेजो टार्सस और तीसरा है मेटा टार्सस। अब एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि जो पस टिड्डे की जो पश्चिम वक्ष की जो टांगे हैं, पश्चिम वक्ष की जो टांगे हैं वो कूदने वाली होती है। कैसे होती है? कूदने वाली टांगे पश्चिम वक्ष, पश्चिम वक्ष की टांगे कूदने वाली है, जंपिंग टाइप की। टिड्डे के पश्चिम वक्ष की टांगों की विशेषता बताइए तो आपका राइट आंसर होगा टिड्डे की पश्चिम वक्ष की टांगे कूदने वाली होती है। हम टिड्डे के शरीर के भागों के बारे में अध्ययन करें जिसमें से एक सिर भाग हो गया और दूसरा वक्ष वाला हो गया। हमारा है नंबर तीन उदाहरण, तो उदर में सबसे पहली विशेषता इसकी कि टिड्डे के उदर में कुल 11 अंग होते हैं। उदर में 11 अंग होते हैं, ध्यान रखना टिड्डे के उदर में कितने अंग पाए जाते हैं? 11 अंग पाए जाते हैं। अगली विशेषता उदर की है, टिड्डे में कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। टिड्डे में कुल कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। टिड्डे में कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं जिनमें से देखिए ये श्वसन छिद्र स्पाइरल का ये टोटल होते हैं 10 जोड़ी। इसमें से 8 जोड़ी 10 जोड़ी श्वसन छिद्र में से 8 जोड़ी श्वसन छिद्र श्वसन छिद्र टोटल होगी 10 जोड़ी, इसमें से 8 जोड़ी श्वसन छिद्र तो उदर में पाए जाते हैं और 2 जोड़ी श्वसन छिद्र वक्ष वाले भाग में पाए जाते हैं। अगर कुछ न्यू आए ध्यान देकर, ये बिल्कुल बारीकी का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि टिड्डे में कुल कितने जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तब तो आपका राइट आंसर होगा 10 जोड़ी। अगर कुछ न्यू आए कि टिड्डे के उदर में कुल कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 8 जोड़ी, क्योंकि 2 जोड़ी श्वसन छिद्र वक्ष में पाए जाते हैं। 8 और 2 10 तो हो गए 10 जोड़ी, लेकिन उधर में 8 जोड़ी और वक्ष भाग में 2 जोड़ी पाए जाते हैं स्पाइरल इन श्वसन छिद्र। इसके अलावा देखिए इस उदर वाले भाग में एक संरचना है अंडरओवर। अंडरओवर क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है? ये उदर का आठवां और जो नौवां खंड है वो मादा के लिए है। यहाँ पर बात अंडरोपक की, तो अंडरोपक इसे कहते हैं, एक बार मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि मादा का शरीर नर की अपेक्षा अधिक नुकीला होता है जो आठ में है नौ में। मादा टिड्डे का शरीर नर की अपेक्षा अधिक नुकीला होता है जो आठ में वह नोवे जो खंड है उनके अंगों से मिलकर बना होता है और ऐसे रचना अंडरोपक कहलाती है। ये अंडरोपक है, इसका कार्य क्या होता है? जो मादा है वह अपने अंडों को दबाने के लिए मिट्टी में दबाने के लिए गड्ढा खोदती है और अंडरोपक के साथ उसको गड्ढा खोदेगी और अंडों को सहने के लिए बाद में गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा देती है। क्या अंडरोपक का कोई पोषण का कार्य होता है? तो टिड्डे की जो बाह्य संरचना है इसका आपको ये डायग्राम भी दिया गया है, ये डायग्राम भी आपको याद रखना है और इसकी जो संरचना है वो थ्योरी को मैंने बता दी है। इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है कि टिड्डे में कुल कितनी जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं? 10 जोड़ी। अगर उधर की बात करें तो
आठ जोड़ी। 22 मतलब एक सूत्र ये बताया था कि डेगा जो बाह्य कंकाल है किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है, काइटिन का बना होता है। आगे टिड्डे के मुखांगों के बारे में अध्ययन करते हैं। टिड्डे के मुखांग माउथ पार्ट्स यानी मुंह के भाग। तो अभी मैंने बताया कि टिड्डे में काटने वाले संभालने वाले प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धनराज जयपुर बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए कि टिड्डे के मुखांग किस प्रकार के होते हैं। तो टिड्डे के मुखांग काटने वाले संभालने वाले प्रकार के होते हैं। अब टिड्डे के मुखांग है इसके निम्न भाग होते हैं। टिड्डे के मुखांग के भाग, टिड्डे के मुखांग के निम्नलिखित पांच भाग होते हैं जिसमें पहला नंबर एक उपयोग ऊपरी होंठ। देखिए टिड्डे का जो ऊपरी होंठ है वो क्या कार्य करता है। टिड्डे का ऊपरी होंठ मुख को आगे से बंद करने का कार्य करता है। नंबर दो सवाल चिबुकास्थि मेंडिबल्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए चिबुकास्थि पहले इसकी विशेषता क्या होती है, आर्य के आर्य आर्य पदार्थ होते हैं। ठीक इस प्रकार से टिड्डे का यही एक ऐसा मुखांग है जिस पर आर्य के समान दांत पाए जाते हैं। ये मान लो रचना है और इस पर ये है दांत, इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो टिड्डे के किस मुखांग पर आर्य के समान दांत पाए जाते हैं, तब राइट आंसर होगा सिबुकास की मेंडिबल्स। इसका कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट। तो सिबुकास की भोजन को काटने व चबाने का कार्य करती है। अभी तक मैंने आपको टिड्डे के दो मुखांग इसमें से नंबर एक है ऊपरी होंठ और इसका कार्य बताया मैंने, यह मुख को आगे से बंद करने का कार्य करता है। दूसरा है चिबुकास्थि मेंडिबल्स, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बताया कि इस पर आर्य के समान दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा यह है भोजन को काटने में चबाने का कार्य करते हैं। और यही बात है यहाँ पर कि टिड्डे के मुखांग किस प्रकार के होते हैं, काटने में चबाने वाले प्रकार के होते हैं। नंबर तीसरा भाग है जंभिका मेक्सिला। देखिए जंभिका क्या कार्य करती है, ये चिबुकास्थि तो भोजन को काटने में चबाने का कार्य करती है। तो ये जो जंभिका मेक्सिला है यह भोजन को इस प्रकार से सही प्रकार से पकड़ कर रखती है ताकि चिबुकास्थि आसानी से भोजन को काट सके। तो यह जो मेक्सिला जंभिका यह तो भोजन को सही प्रकार से पकड़ने का कार्य करती है और चिबुकास्थि उस भोजन को आसानी से काटने का कार्य करती है। नंबर चार है निचला होंठ, ये मुख को बंद करने का कार्य करता है। लास्ट है नंबर पांच अनुगसन हाइपोफेरिंग्स, ये जीभ जैसा अंग होता है, जीभ जैसा अंग होता है। यहां पर भी एक अतिरिक्त बात प्रश्न होता है कि टिड्डे के उस मुखांग का नाम बताइए जो जीभ के समान होता है। तो आपका राइट आंसर होगा अलोकसी, या अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। और इसकी दूसरी विशेषता है कि इसके पास लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 11 प्रारंभ किया है टिड्डा, इसमें से एक टॉपिक पढ़ लिया है टिड्डे की संरचना। अगले वीडियो के जीवन चक्र और कृषि में महत्व है उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।